हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या था। हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट क्या था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम टाइम। इन्होंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम किसी एक पार्टिकल का जो मोशन है उसका एग्जैक्ट हम पोजीशन और एग्जैक्ट उसका मोमेंटम हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी एक अगर हम पैकेट में लेते हैं, पैकेट क्या है यहाँ पे, वेव पैकेट क्या है यहाँ पे, किसी पार्टिकल जो आप मूव करता है वहाँ पे उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेव्स क्या होती है, कंबाइन हो जाती है। तो उसको एक यहाँ पे डिफरेंट वेव का जो एक पैकेट होता है इस तरीके का, तो उसको एक पोर्शन को ले लिया है उसने, पैकेट की तरह यहाँ पे कंसिडर किया है। अब यहाँ पे ये बताया है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम एग्जैक्ट ना तो उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही हम एग्जैक्ट मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, और अगर हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं तो एग्जैक्ट उसका हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पाते। फाइंड आउट तो करते हैं पोजीशन, बट वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो यहीं तो उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए हमारा वेव पैकेट क्या है, बहुत छोटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो पैकेट बहुत छोटा है, तो इसमें आप देख रहे हैं वेव जो पैकेट मूव कर रहा है इसके अंदर, सॉरी जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक वेव के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वेव उसकी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे उसकी हम वेव लेंथ यहाँ पे हम नहीं निकाल पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी वेव बन ही नहीं रही, क्योंकि ये पैकेट जो है बहुत छोटा है। बट क्योंकि ये पैकेट बहुत छोटा है तो इसकी वजह से इसकी जो पोजीशन जो है बहुत बहुत ज़्यादा हम सर्टेन होती है उस समय, यहाँ पे जो पोजीशन है उसकी बहुत ज़्यादा सर्टेन है, बट अनसर्टेनिटी उसकी कह सकते हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि वेवलेंथ मतलब मोमेंटम पी बराबर क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा, पी बराबर होता है हमारा एच अपॉन लैम्डा। अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाए तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हमारा मोमेंटम भी फाइंड आउट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तो हम एग्जैक्ट तक कर सकते हैं क्योंकि इसका पैकेट का साइज बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे पोजीशन इसकी फाइंड आउट कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है वो वहाँ पे क्या होगा, बहुत मिनिमम। एक चीज़ और बताऊँ तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी का मतलब होता है यहाँ पे डाउट, ठीक है, तो यहाँ पे डाउट क्या, पोजीशन की जो डाउट है वो वहाँ पे क्या है, बहुत कम, पोजिशन में इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेवलेंथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम इसका बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम वेव पैकेट हमारा क्या हो जाता है, अगर कुछ बड़ा हो जाता है, अगर हमारा वेव पैकेट यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बड़ा हो गया, अगर हम वेव पैकेट हमारे यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हम इजिली उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हम इसकी इजिली वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, हम यहाँ पे उसकी पोजीशन यहाँ पे उसके अंदर इस वेव के अंदर उसके पार्टिकल की क्या पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसकी जो पोजीशन एग्जैक्ट बताना यहाँ पे क्या डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं उसकी जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है वो ज़्यादा है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो कम है, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम बराबर क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ इस केस में आप वेवलेंथ यहाँ पे इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरी वेव बन रही है और ये एक वेव पैकेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे मोमेंटम तो हमारा, क्योंकि हमारे वेवलेंथ पता है, अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम इजीली मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं पी बराबर एच अपॉन लैम्डा से, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें, उन्होंने एक रिलेशन बनाया है कि हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन दिया, उन्होंने क्या बताया कि हमारा डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी इजकल्स टू एच, एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, या डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर पोजीशन यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, तो अगर पोजीशन अगर आप बहुत एग्जैक्ट पता कर लेते हो तो आपका मोमेंटम क्या हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है, ये एग्जैक्ट होगा तो ये अनसर्टेन होगा, और ये अगर बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होगा, मतलब इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसकी कम होगी, अगर इसकी कम होगी वैल्यू तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कुल मिला के क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये इनका एक स्टेटमेंट था कि भाई अगर किसी एक पार्टिकल की अगर आप मोमेंटम बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी पोजीशन आप बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था। तो मुझे लगता है आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।